नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 26 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच पीएम मोदी का हवन पूजन। लोकसभा स्पीकर ने दी अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी। शाह पर केजरीवाल ने चलाया तीर। भाजपा नेताओं ने आप चीफ को घेरा। मंत्रिमंडल से बर्खास्त गुढ़ा ने बदला अपना ट्विटर बायो। और पीएम मोदी शाह ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह प्रगति मैदान में हवन पूजा की। वे आज ITPO कॉम्पैक्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे G20 की बैठकों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। आज शाम एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इसे देश को समर्पित किया जाएगा। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 15 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर असम से सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे तो दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। इसके पहले कांग्रेस ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंशियल मोशन ला रहे हैं। 26 दलों वाले विपक्षी मोर्चे को इंडिया नाम दिए जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इस नाम को अपनी रणनीति के तहत मुफीद मान रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस दाव की काट निकालने में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में ये कहकर विपक्ष पर तंज कसा कि इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नाम बदलने से जनता पुराने काम नहीं भूलेगी। शाह के ट्वीट का जवाब देते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीर चलाया तो भाजपा नेताओं ने उन्हें घेर लिया। अशोक गहलोत सरकार के बर्खास्त राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपना ट्विटर बायो बदल दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा है, राजस्थान विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उठाने के कारण बर्खास्त कांग्रेस का मंत्री। अशोक गहलोत ने गुड़ा को अनुशासनहीनता के आरोप में मंत्रिमंडल से हटा दिया था। इसके बाद से ही गुड़ा सुर्खियों में छाए हुए हैं। वे इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में ऊंट गाड़ा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें भी वो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। इस बीच सरकार गुड़ा और उनके समर्थकों पर कार्यवाही कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर बुधवार को उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारत की विजय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मातृभूमि की रक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले देश के वीर सपूतों को कारगिल दिवस के अवसर पर बुधवार को नमन किया। शाह ने एक ट्वीट में कहा, कारगिल विजय दिवस करोड़ों देशवासियों के सम्मान की विजय का दिन है। ये सभी पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने आसमान से भी ऊंचे हौसले और पर्वत जैसे फौलादी दृढ़ निश्चय से अपनी मातृभूमि के कण कण की रक्षा की। राजस्थान के एकमात्र घूघरा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर बंदियों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के 6 आरोपी भी बयाना भरतपुर उप कारागार से इस जेल में भेज दिए गए हैं। अजमेर में घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में पहली बार हार्डकोर बंदियों की तादाद 200 के पार पहुंच चुकी है। इससे पूर्व यहां अधिकतम 195 बंदी रखे गए थे। भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के 6 आरोपी धर्मराज, बबलू, अमरदीप, विष्णु, कुलदीप और सौरभ को भी बयाना उप कारागार से हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। जेल में 262 हार्डकोर बंदियों को रखने की क्षमता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश के युवा पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते हुए विपरीत लिंग के साथ संबंधों के लालच में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यहां उन्हें कोई वास्तविक जीवन साथी नहीं मिल पाता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, TV धारावाहिकों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में अपने जीवन के सही मार्ग के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वे अपने सही साथी की तलाश में अक्सर गलत व्यक्ति की संगति में फंस जाते हैं। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेसी विधायकों के घरों पर थाली बजाकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर में UDH मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश भर में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थाली चम्मच लेकर कांग्रेसी विधायकों के घरों पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। थाली बजाकर महिला अत्याचार व कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने बताया कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट ने बच्चों के लापता होने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को कहा है कि वे बच्चों की जल्द तलाश करने के लिए अपने सिस्टम में तेजी लाएं और मौजूदा व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करें। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में अंतर्राज्य स्तर पर भी अन्य प्रदेशों की पुलिस व प्रशासन के साथ समन्वय विकसित करने के लिए कहा है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीजीपी उमेश मिश्रा सहित अजमेर, भिवाड़ी, अलवर और दौसा के पुलिस अधीक्षक अदालत में पेश हुए। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के ठेका श्रमिकों का आंदोलन आज पांचवें दिन भी जारी रहा। ठेका श्रमिक यूनिवर्सिटी के गेट पर मानव श्रृंखला बनाकर बैठ गए। उन्होंने स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम था उनकी आईडी चेक कर उन्हें अंदर जाने दिया। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने ठेका श्रमिकों को जल्द पीएफ व वेतन भुगतान दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ठेका श्रमिक यूनिवर्सिटी के गेट से उठे। यूनिवर्सिटी में करीब 110 ठेका श्रमिक हैं। बताया जा रहा है कि उनका 7 महीने से पीएफ जमा नहीं करवाया गया है। देशभर में इस साल सदाबहार फिल्म अभिनेता देवानंद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इसकी गूंज जयपुर में भी सुनाई देगी। इस साल जयपुर देव फेस्टिवल के नाम से आयोजन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल को जयपुर की 3 नामी लोकेशन पर आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 24 सितंबर से होगी। पहले दिन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में गाता रहे मेरा दिल कॉन्सर्ट आयोजित होगा। इसमें मुंबई के नामचीन गायकों और ऑर्केस्ट्रा की ओर से देव साहब की फिल्मों के गानों के साथ शाम को यादगार बनाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा के बदमाश झुंझुनू पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इनसे निपटने के लिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। झुंझुनू जिले की सीमा हरियाणा से सटी है। यहाँ की 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनसे दर्जनों कच्चे पक्के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करते हैं। ये चोर रास्ते आगामी विधानसभा चुनाव में काफ़ी परेशान करने वाले हैं। झुंझुनू राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का जिला है। जिले की सूरजगढ़, पिलानी और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सीमा से सटे हुए हैं। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में कुछ बदमाश देर रात एक इंडी कैश कंपनी के एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। एटीएम बूथ में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। फिलहाल पुलिस एटीएम बूथ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। एटीएम में करीब 1 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। घटना देर रात करीब 1 बजे की है। सेवर थाना पुलिस की गश्त गाड़ी एटीएम के पास खड़ी थी, तभी गश्त की गाड़ी को सूचना मिली कि सेवर थाने के पास भगवान हनुमान के मंदिर के पास सड़क हादसा हो गया। पुलिस के जाते ही शातिर लुटेरों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिछले वर्ष खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए लोगों ने खूब फुर्ती दिखाई। महीने भर में ही हजारों लोगों ने खुद को योजना के तहत पात्र बताते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे, लेकिन अब जांच के दौरान आवेदनों में पाई जा रही कमी पूर्ति में ढिलाई बढ़ती जा रही है। इससे आवेदन करने वाले अधिकांश लोगों के नाम योजना के तहत चयन सूची में नहीं जुड़ रहे हैं। जिले में अब तक मात्र 25,815 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया है। राजस्थान में मॉनसून की अच्छी बारिश के चलते बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक और दौसा की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में करीब 1 करोड़ की आबादी के लिए 2.5 महीने का पीने का पानी आ गया है। बीसलपुर बांध को भरने वाली त्रिवेणी नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बांध में पानी की आवक पिछले दिनों के मुकाबले तेज हो गई है। मंगलवार शाम 5 बजे तक बीते 24 घंटे में बीसलपुर बांध में 3 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई, जिससे बांध का जलस्तर बढ़कर 313.57 RL हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।